नमस्कार, इनकोर में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर घाटी में डर का माहौल छाने लगा है। बीते दिन कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद आज आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने ये हमला कांस्टेबल के घर पर किया है। जानकारी के मुताबिक रियाज अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। ये दिल दहला देने वाली घटना घाटी के पुलवामा के गुदूरा इलाके में हुई है। बता दें, घाटी में कुछ ही घंटों के भीतर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना हुई है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर अपने घर पर थे, इसी बीच आतंकियों ने टारगेट बनाकर उन पर फायरिंग कर दी। अचानक की गई फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बेहद देर हो गई थी और एसपीओ शहीद हो गए। बड़गांव में स्थानियों का प्रदर्शन। कल शाम कश्मीर पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद आज बड़गांव में स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया है। लोगों का कहना है कि एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है और आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। उग्र होती भीड़ को रोकने के लिए पहले पुलिस ने लाउड स्पीकर से उन्हें समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और भीड़ को तितर बितर किया गया। राहुल भट्ट एक कश्मीरी पंडित बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। गुरुवार को आतंकियों ने सरेआम तहसील दफ्तर में घुसकर उन पर गोलियां दाग दी। फिलहाल सेना ने आतंकियों को ढूंढने के लिए इलाके में अपना तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना की पूरी कोशिश है कि उन आतंकियों को जल्द से पकड़ा जाए। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।